जितने तुम्हारी मन में अभिमान है, हाँ, जितने को रचना करने वाला, इसलिए ब्रह्मा लास्ट में बताएंगे, बोले हे प्रभु, ये पृथ्वी का धूल कण को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, बोले प्रभु तेरे महिमा को कोई नहीं पार कर सकते, हाँ, तेरे महिमा कोई पार नहीं पा सकते। इसलिए ब्रह्मा जी कहते, भैया जितने तुम्हारे अभिमान है, सारे अभिमान को पहले त्याग, त्याग देकर क्या करो, सदगुरु की चरण में आश्रय ग्रहण करते हुए, संतों की चरण में रहते हुए, काय मन और वाक्यों के द्वारा भगवान की कथा सुनो, ठाकुर जी की कथा सुनो, और जीवन में भगवान जिस अवस्था में तुम्हें रखे, अगर किसको बोलो ना भगवान के भजन करो, बोले देखो अभी संसार में सबको सेट करके ना, जब बच्चे को सेट कर देंगे, हाँ, पत्नी को सेट कर देंगे, सबको शादी करा के सेट करा देंगे, जब सेट सब हो जाएगा ना, फिर तो भगवान की हम भक्ति करेंगे। बोले भैया बताओ जगत में अभी तक तो किसने सेट हो पाया, इतनी जंगल में शिकार करने के लिए गए, इतने में राजा का अंगुल कट गया तलवार में, बोले महाराज, बोले महामंत्री मेरे ये अंगुल कट गया, लेकिन मंत्री बड़े धार्मिक, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास उसको होता था, बोले देखो राजा, ठाकुर जी जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हरि, कभी भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते, बोले क्या जिंदगी भर के लिए मेरा अंगुल कट गया, अब तू कह रहे हो भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, बोले भगवान मंगलमय, कभी तो अमंगल कर ही नहीं सकते, बोले हर काम उनके मंगल मंगल, बोले और क्या, बोला अभी तेरा मंगल करता, उन्होंने क्या किया कि सूखा कुआ था, धक्का मार कर उसको गिरा दिया, बोले भगवान सब अच्छे करते हैं ना, बड़े रहो। राजा वापस आ रहे थे, कोई एक व्यक्ति है, कोई कोई डाकुओं का जो सरदार था, वो माँ देवी को पास में मनो देखा था, बोले माता जी मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए, तेरे पास में एक नर बलि दूंगा, अभी घर में कैसे लाला की जन्म हो गया, वो डाकू सरदार ने बोला डाकुओं को जो मिले पकड़ करके ले आओ जंगल में, मिला राजा, बोले वाह बड़ा सुंदर है, भैया तो बड़ी खुश होगी, राजा देखा भैया किसकी किया, लेकिन तेरे को तब से अभी तक ये अंधकार कुएं में मैंने डाल करके रखा, तेरा क्या कल्याण हुआ, तेरे को तो अंधकार कुएं में पड़ा रहना पड़ा, तेरा क्या कल्याण हुआ। मंत्री ने कहा महाराज जी आपका कल्याण नहीं हुआ, कल्याण तो मेरा ही हुआ। बोले कैसे, बोले अगर तू मेरे को ये कुएं में नहीं डालता, फिर हम दोनों जाते और तेरा तो अंगुल कटा हुआ, तेरे को तो छोड़ देते और मेरे को पूरा भी पूरा माता के जी के सामने बलि चढ़ा देते। इसलिए ब्रह्मा जी की स्वयं कह रहे हैं, भगवान जो कुछ करते हैं समझना उसमें भी हमारे कुछ भलाई है, और जिस अवस्था में ठाकुर रखे उसी अवस्था में रहो और क्या करो, भगवान की भजन करते रहो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी और एक अच्छी बात बता रहे, हमारे जो गुरु जी के गुरु जी थे ना, जब इनको पास में कोई पत्र आता था, अब देखना जब भगवान की हम भक्ति करते हैं ना, कभी थोड़ी बहुत जब विपत्ति कोई आती है, अब देखना भले कोई चीज को छोड़े नहीं छोड़े, पहले अपना माला ही छोड़ देते, खाना नहीं छोड़ेंगे, पहनना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले अपना भजन ही छोड़ने के लिए पहले तैयार बैठते, बोले भगवान हमारे साथ ऐसे किया, हम दिन भर प्रभु का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे करते हैं। देखो ब्रह्मा जी बहुत अच्छी बात यहाँ बता रहे हैं, इसलिए हमारे जो प्रभुपाद थे ना, ट्राई करके इसी श्लोक को कोटेशन करके वो भेजते थे शिष्यों के पास, वो कहते बोले तत्व अनुकंपा सुसुमिक्षमाणा भुञ्जामि एवात्मकृतं विपाकम्। आस्तिक नास्तिक समस्त दिखते, एक तो भगवान को मानता था और एक नहीं मानता था, और जो नहीं मानता था जो मानता था उसको हर समय वो टोटी करता था, बोले क्या दिन भर ये माला लेकर हरे कृष्ण कर रहे हो, दिन भर क्या पत्थर को सामने, ये पत्थर है ठाकुर नहीं पत्थर, ये कोई बोलता है चलता है, बेकार तुम अपना समय को यहाँ बर्बाद कर रहे हो, हर समय उसको टोटी करता था। एक दिन क्या हुआ, दोनों भाई निमंत्रण में कहीं जा रहे थे,
भजन नहीं करता था उसको प्यारे भी सीख कर गई, खून बहने लग गया। बोले देख लिया तू इतने हरी हरी कृष्ण कृष्ण करते हो, तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला। अभी तो वो दुखी दुखी हो गया। बोले भैया बात सही है। जब दुखी हो गया बोले ठाकुर जी तीन बार में तेरा भजन पूजा पाठ करता हूँ तो मेरे को सबके सामने ऐसे बेइज्जत करवा दे हो। इतने में आकाशवाणी हुई। बोले बेटा कभी ऐसे मत समझना। आकाशवाणी हुई बोले देखो तुम्हारी दोनों को जीवन को सुना, इसको आज जो एक सोने की डेला मिली ये पहले जन्म में इतने दान पुण्य किया था, आज का दिन राज दरबार में उसको राज तिलक लगने का था, राजा बनने का था। चूंकि मेरे और मेरे भक्तों को ये निंदा करता है, सारे पुण्य समाप्त हो गई, एक सोने की डेला देकर उसको वंचित कर दिया। और तेरी बात सुनो, पहले जन्म में तुमने मर्डर किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरे को फांसी झूलने का था, लेकिन तुम मेरे भजन करते हो, तुम मेरे भक्ति करते हो, इसलिए मैंने सारे दुख को खत्म कर दिया, केवल प्यार में एक लोहे की सीख गड़ा करके छोड़ दिया। ये मत समझो भजन करने वालों को दुख होता है, बेटा कभी ऐसे मत समझो। नहीं तो कृष्ण गीता में स्वयं कहते सल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात् हे अर्जुन, मेरे लिए अगर थोड़ी सी कोई करता है ना उसके लिए इतना करता हूं उसके लिए, इसलिए कभी मन दुखी नहीं होनी चाहिए। और एक उदाहरण समझो, जैसे भजन कर रहे हैं अगर दुख आए तो हम कहते हैं भैया इतना भजन करते हैं दुख क्यों आ रहा है। देखो एक उदाहरण समझो, आप देखना जो लोग गेहूं की खेती करते हैं उनका पास में एक ड्रम होता है और जो गेहूं होता है ऊपर से डाल देते हैं और नीचे से छेद रहता है और जितना जरूरत नीचे से निकालते हैं। मानो इसी साल गेहूं की खेती की लेकिन खेती अच्छी नहीं हुई, दाना छोटा छोटा हो गया, उसको ऊपर से डाल दिया। दूसरे साल जब उन्होंने खेती की दाना बहुत बढ़िया बढ़िया होगा वो भी ऊपर में डाल दिए। आप बताओ जब नीचे से निकालेंगे कौन सा दाना पहले आएगा, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, पहले छोटी आएगी ना बड़ी आएगी, क्यों आपने ऊपर से बड़ा डाला है ना।